हाय फ्रेंड्स, मिक्स एरोमेटिक चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ सेफ शुभेंदु। मैं फिर आ गया हूँ फिर एक माउथ वाटरिंग रेसिपी लेके। ये है चिकन कोफ्ता करी। मैं आप लोगों को कैसे करके चिकन का कोफ्ता बनाना है और कैसे करके उसका ग्रेवी बनाना है, दोनों में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए बनाते हैं। ये चिकन कोफ्ता बनाने के लिए मैं 300 ग्राम चिकन कीमा लिया हूँ। मैं घर पे ही बनाया हूँ। आधा ब्रेस्ट दिया हूँ और आधा लेग दिया हूँ। ये मैं थोड़ा सा गार्लिक चॉप डाल दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैं जिंजर चॉप डाल दिया हूँ। थोड़ा सा स्पाइसी के लिए ग्रीन चिली चॉप डाल दे रहा हूँ मैं। ये थोड़ा सा मैं हरा धनिया पत्ता चॉप करके डाल दे रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा ओनियन चॉप डाल दिया हूँ मैं इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डाल दे रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दे रहा हूँ इसमें, और मैं इसमें थोड़ा सा और थोड़ा स्पाइसी के लिए रेड चिली पाउडर डाल दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दे रहा हूँ। ये आप लोग स्वाद के हिसाब से डालिए। ये मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से मिक्स कर ले रहा हूँ, जैसे चिकन में सारे मसाला अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। ये ऐसा करके थोड़ा अच्छे से मिक्स्ड कर लेने का। अब मैं इसमें एक अंडा को इसमें डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें ब्रेड क्रम या कॉर्नफ्लोर या मैदा कुछ भी मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। ये उसका जो काम है ब्रेड क्रम या मैदा का, वो काम ये अंडा से हो जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल इसको नेचुरल तरीके से बना रहा हूँ। ये देखिए, मैं कोफ्ता बना के दिखा रहा हूँ। दो कोफ्ता आप लोगों को मैं बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे करके कोफ्ता मैं बना रहा हूँ। देखिए, ऐसा करके थोड़ा हाथ में लेके ऐसा थोड़ा मसल लेने का, थोड़ा बुलेट का शेप बना लेने का पहले। अब मैं ऐसे करके थोड़ा ऊपर से अच्छे से शेप दे ले रहा हूँ कोफ्ता का शेप। ऐसे करके मैं सारे बना लिया हूँ। ये लास्ट का दो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करके बना रहा हूँ मैं। वही सेम प्रोसेस ऐसे करके बनाने का। और मैं ये जो आधा लेग लिया हूँ, आधा ब्रेस्ट इसलिए लिया हूँ जैसे कोफ्ता हार्ड ना हो। सिर्फ ब्रेस्ट लेंगे तो कोफ्ता हार्ड हो जाएगा, और ये अगर कीमा आप लोग मिक्सिंग में करेंगे तो भी ये हार्ड हो सकता है। इसलिए मैं चापर से ही ये कीमा किया हूँ, इसलिए मेरा जो कोफ्ता है वो बिल्कुल ही हार्ड नहीं बनेगा। ये कढ़ाई पे मैं थोड़ा सा ऑयल ले ले रहा हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल है, आप लोग चाहे रिफाइन ऑयल ले सकते हो। मैं इसमें ये कोफ्ता जो बना के रखा हूँ, इसको मैं थोड़ा पैन फ्राई कर लूँगा। देखिए, मैं ऐसा करके सारे कोफ्ता को एक एक करके डाल दे रहा हूँ। ये बनाने का टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो रखने का, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा, ये काला पड़ जाएगा मगर अंदर से पकेगा नहीं, वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा स्लो फ्लेम में इसको फ्राई करने का। ये देखिए, मेरा फ्राई हो गया। ये एक साइड, ये देखिए एक साइड मेरा पक गया है। ऐसा करके मैं सारे को उल्टा पलटा के थोड़ा फ्राई कर लूँगा, जैसे चारों तरफ पक भी जाए और थोड़ा कलर भी आ जाए। देखिए, ऐसा करके सारे को पलटी ऐसा उल्टा पलटा करके थोड़ा फ्राई कर लेने का। देखिए, मेरा फ्राई हो गया। अब मैं इसको एक प्लेट में उठा लूँगा, और ये जो ऑयल है, ये ऑयल को मैं फेंकूँगा नहीं, यही ऑयल से मैं इसका ग्रेवी बनाने वाला हूँ। ये मैं ऐसा करके एक प्लेट में सारे को एक एक करके उठा ले रहा हूँ।
देखिए इसका कलर भी आ गया और अंदर से पक भी गया है, और ये हार्ड भी नहीं बना है मेरा, सॉफ्ट है और जूसीला भी है। देखिए मेरा सारे उठा के हो गया है। अब मैं एक कढ़ाई लूँगा, दूसरा कढ़ाई, ये मैं कढ़ाई लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा ओनियन को फ्राई कर लूँगा, इसका जो ग्रेवी है वो ग्रेवी बनाने के लिए। ये अगर आप लोग कच्चा ओनियन से इसका पीस के ग्रेवी बनाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल देके इसको मैं फ्राई कर ले रहा हूँ, जैसे इसका टेस्ट बराबर अच्छे से आए। देखिए मेरा ओनियन हल्का ब्राउन हो गया, अब मैं इसको निकाल के पीस ले रहा हूँ। ये देखिए वही जो चिकन फ्राई किया था, मैं कोफ्ता फ्राई किया था, वही ऑयल पे मैं थोड़ा सा खड़े गरम मसाला, एक तेजपत्ता, दो लौंग, दो इलायची, एक छोटे वाला इलायची और एक मेष पत्री मैं इसमें डाल दिया हूँ। इसको थोड़ा मैं भून ले रहा हूँ जैसे इसका फ्लेवर अच्छे से ऑयल पे आ जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप ओनियन डाल दे रहा हूँ, ये ओनियन को मैं थोड़ा अच्छे से भून लूँगा, ये तब तक भूनते रहूँगा जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए और इसका ओनियन का कच्चा स्मेल जब तक ना हट जाए, तब तक इसको भूनते रहने का। ये देखिए मेरा हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर पेस्ट डाल दे रहा हूँ और थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डाल दे रहा हूँ, ये भी थोड़ा अच्छे से भून लेने का, ये इतना देर तक भूनने का जैसे उसका कच्चापन जो है या कच्चा स्मेल जो है वो हट जाए, क्योंकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो रह जाएगा तो ग्रेवी में अच्छा नहीं लगेगा, फिर कच्चापन लगेगा ग्रेवी। ये देखिए मेरा भून के हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दे रहा हूँ और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दे रहा हूँ और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दे रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं भून ले रहा हूँ इसका भी कच्चा स्मेल हटाने के लिए। अब मैं थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डाल दे रहा हूँ, ये टोमेटो पेस्ट को भी थोड़ा अच्छे से भून लेने का जैसे इसका टोमेटो का जो कच्चापन है वो हट जाए। ये तब तक मैं जो मैं ओनियन पीस के रखा था उसको थोड़ा दही के साथ मिक्स्ड कर ले रहा हूँ, ये दही के साथ इसलिए मिक्स्ड कर रहा हूँ जैसे ये दही ग्रेवी में डालूँगा तो फटे ना, और ये आप लोग चाहे मिक्सिंग जार में एक साथ ओनियन और दही दोनों को डाल के भी पीस सकते हो। अब मैं वही ओनियन पेस्ट को ये ग्रेवी में मैं डाल दे रहा हूँ, ये मैं थोड़ा अच्छे से इसको भी भून लूँगा, इसको आप ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पहले से ही ओनियन मेरा पका हुआ है। ये अब मैं थोड़ा सा कश्मीरी चिली पाउडर डाल दे रहा हूँ, ये जो चिली होता है कश्मीरी चिली पाउडर ये स्पाइसी होता नहीं है, ये कलर का काम करता है, ये खाने में मैं कलर डाल नहीं रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मैं चिली पाउडर कश्मीरी चिली पाउडर डाल दिया हूँ। ये देखिए मेरा ग्रेवी पक गया, ऑयल भी छोड़ दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालने का क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ा ठीक होता है, बिल्कुल पतला होता नहीं है। ये थोड़ा सा पलटा चला दिया हूँ मैं, अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पका ले रहा हूँ। ये देखिए मेरा 4-5 मिनट हो गया और ग्रेवी भी पक गया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पलटा चला ले रहा हूँ।
देखिए ग्रेवी मेरा बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बन गया है और रोगन भी ऊपर अच्छे से आ गया है। देखिए अब मैं इसमें जो कोफ्ता मैं फ्राई करके रखा हूँ उसको एक एक करके मैं ये ग्रेवी में डाल दे रहा हूँ। ये ग्रेवी में इसलिए डाल रहा हूँ जैसे ये ग्रेवी का जो टेस्ट है वो भी कोफ्ता में आ जाए और ग्रेवी और थोड़ा जूसीला हो जाए। ये मैं थोड़ा ढक के और 2 से 3 मिनट पका ले रहा हूँ। देखिए हो गया 2-3 मिनट मेरा। अब देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो गया और कोफ्ता में जो एडजस्ट करना था मसाला ग्रेवी वो भी कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दे रहा हूँ ऊपर से और थोड़ा सा मैं चॉप धनिया पत्ता डाल दे रहा हूँ। ये मेरा कोफ्ता करी रेडी हो गया। अब इसको बस सर्विस करना ही बाकी है। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेता हूँ। देखिए कितना मस्त ग्रेवी बन गया ये, एकदम बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है। और ये आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, सिर्फ रेस्टोरेंट का भरोसा में मत रहिए। ये रेसिपी आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो मैं कहता हूँ ये रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा बना पाएंगे आप लोग। फिर फ्रेंड्स आप लोगों का अगर ये रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और फिर मिलेंगे फिर एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।